Apex Legend Mobile, Next Open Beta, Soft Launch and Global Launch Release Date. आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें बताने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखना। और थैंक्स फॉर 960 सब्सक्राइबर भाई, दो दिन में आपने गोल कंप्लीट करा दिया, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का यार, इतना सपोर्ट है आपकी तरफ से, तो थैंक यू सो मच। और हमारा नेक्स्ट टारगेट है 970 सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, नया नया टारगेट हमको कंप्लीट करना है, वो भी बहुत जल्दी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ओपन बीटा की बात करें तो वो इस महीने आने वाला था, यानी अगस्त के महीने में, लेकिन हम सभी को पता है जो पिछला क्लोज बीटा जो अभी चल रहा है वो डिले हुआ है, यानी कि वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आने वाला था लेकिन वो आया लास्ट वीक के अंदर। तो यहाँ पर एक महीना हमको सारी प्रोसेस डिले होने को मिल गई है, यानी कि जो ओपन बीटा अगस्त में आ रहा था वो अब आएगा सेप्टेम्बर के महीने के अंदर। ठीक है, तो सेप्टेम्बर के महीने में आपको जो ओपन बीटा है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ क्लोज बीटा ओपन बीटा के बीच में क्या होता है। तो सबसे पहले जो बिग बग्स और ग्लीचेस जो होते हैं ना, वो पूरी तरीके से एकदम, मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके से वो एकदम हटा दिए जाते हैं, गेम को और इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाती है, और भी ज़्यादा प्लेयर्स वहाँ पर खेल सकते हैं उसको, और वो पूरी वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको कोई भी खेल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेशंस को हटा दिया जाता है ओपन बीटा क्लोज बीटा के अंदर, ये अंतर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं सॉफ्ट लॉन्च के बारे में। तो सॉफ्ट लॉन्च क्या होता है ना, जब वो बीटा स्टेज से हटकर नेक्स्ट बीट स्टेज पे आता है उसको कहते हैं हम सॉफ्ट लॉन्च। ठीक है, तो सॉफ्ट लॉन्च के अंदर बेसिकली क्या होता है, गेम के अंदर और नई नई चीज़ें ऐड की जाती है, जैसे कि उसके ग्राफिक्स इंक्रीज किए जाते हैं, फ्रेम रेट्स वगैरह और भी अच्छे स्मूथ किए जाते हैं, तो उसके अंदर सॉफ्ट लॉन्च होता है। तो उसकी डेट हम की हम बात करें तो जैसे कि हम सभी को बताएं भाई आगे बढ़ चुका है, तो अक्टूबर या नवंबर के महीने में आपको जो सॉफ्ट लॉन्च है वो देखने के लिए मिल सकता है एपेक्स लेजेंड मोबाइल का। ठीक है, तो फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे ग्लोबल लॉन्च के बारे में। ठीक है, तो ग्लोबल लॉन्च की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई दिसंबर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा एपेक्स लेजेंड मोबाइल, ग्लोबल लॉन्च जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो क्लोज बीटा है उसने सब कुछ शेड्यूल बिगाड़ दिया है, तो उसकी वजह से आपको शायद दिसंबर में देखने के लिए मिल सकता है, या फिर 2022 की स्टार्टिंग में आपको एपेक्स लेजेंड मोबाइल का जो ग्लोबल लॉन्च है वो देखने के लिए मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सबके रिलीज डेट सबके डिफरेंस बता दिए हैं, तो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। 970 सब्सक्राइबर्स करने हैं चैनल के ऊपर जल्दी जल्दी, 10 सब्सक्राइबर मांग रहा हूं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। सो गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।